नमस्कार। थिएटर अप टू डेट के इस नए संस्करण में मैं मोहम्मद निजाम एक बार फिर आपका स्वागत करते हुए। हम लोगों ने पिछली बार जो बातें की थी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और इस बार हम लोग बात करेंगे साधन और साधक पर, क्योंकि एक्टर बनने की जो सबसे पहली जो शर्त होती है वो है कि आपको साधन पता हो और आप साधक हैं, आपको ये पता हो कि आपको क्या साधना है, और फिर ये भी पता हो कि उसका साध्य कौन है, क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं कि एक हर काम करने वाले का एक साधन होता है, और उस साधन की जितनी जानकारी उसको होती है या जितना ज़्यादा उस बात पे कंट्रोल कर सकता है, मतलब मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए आपको बता दूं कि मान लीजिए कि पिस्तौल का निशानेबाजी, तो वो निशानेबाजी तब अच्छी कर सकता है जब पिस्तौल पे उसकी पकड़ अच्छी हो। मतलब पिस्तौल साधन है और चलाने वाला साधक है, तो वो साधता है कि कितनी मजबूती से पकड़ के निशाना लगाए कि वो हिले नहीं ट्रिगर दबाते वक्त। जब नहीं हिलेगा तो निशाना एकदम सटीक बैठेगा। ठीक, एक घुड़सवार की बात करते हैं। घुड़सवार का साधन क्या है? घोड़ा, घोड़े की लगाम। तो वो लगाम जितना बढ़िया पकड़ सकता है, लगाम पे जितना कंट्रोल कर सकता है, घोड़े को उतना अच्छा कंट्रोल कर सकता है, मतलब अपने साधन को उतना अच्छा इस्तेमाल कर सकता है साधक यानी घुड़सवार। चित्रकार अगर साधक है तो उसका साधन क्या है? कैनवस या फिर ब्रश। तो ब्रश पे जितनी अच्छी पकड़ होगी वो उतनी अच्छी रेखाएं खींच सकेगा और उतने अच्छे ढंग से चित्र को बना पाएगा। इसका मतलब है कि साधक अगर अपने साधन पे कंट्रोल रखता है अपना, तो निश्चित रूप से वो उस पे काम अच्छे से कर सकता है। अब आइए कि हम बात करते हैं एक्टिंग की। एक्टर या एक्ट्रेस दोनों ही, मतलब एक्टर से मतलब दोनों ही ले लें आप, मेल फीमेल दोनों। एक्टर का, एक्टर अगर साधक है तो उसका साधन खुद उसका शरीर, मतलब साधक भी वही और साधन भी वही खुद। बड़ा मुश्किल है ना फिर अपने आप को साधना, दूसरी चीजों को, निर्जीव वस्तुओं को साध लेना या बाकी चीजों को अपने कंट्रोल में कर लेना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि माथे से लेकर एड़ी तक, पैर की एड़ी तक, शरीर के जितने अंग हैं वो आपके अपने कंट्रोल में होने चाहिए, यानी साधक के कंट्रोल में होने चाहिए, यानी साधन आपका अपना शरीर और शरीर के प्रत्येक अंग और शरीर से निकलने वाली आवाज, ये है आपके साधन। इसका मतलब है कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने शरीर पे कंट्रोल करना सीखना होगा। सब लोग ये मानते हैं कि हमारा शरीर तो हमारे कंट्रोल में ही होता है, हम जैसा चाहते हैं वैसे ही करते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ मतांतर हो सकता है आप में और मुझ में। कंट्रोल में होता है उन कामों के लिए जो आप हर रोज करते हैं, हर रोज आपकी दिनचर्या में है। जैसे ब्रश करना आपके कंट्रोल में है कि ब्रश इतना ही घूमना है आपको रोज, उसके लिए अलग से रिहर्सल करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो जरूरी लगता है। जैसे चेहरे को धोना वो आपके रोज का काम है, नहाना आपके रोज का काम है, खाना आपके रोज का काम है, तो खाने के लिए आपको जरूरत नहीं कि खाना भी देखना पड़े और मुंह भी देखना पड़े, ऐसा जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो आपकी आदत दिनचर्या में शामिल होता है। एक्टर बनने वाले लोग दिनचर्या में शामिल नहीं कर पाते हैं अपनी एक्टिंग करने के साधन को, यानी अपने शरीर को। एक्टर का शरीर कोई साधारण शरीर नहीं होता। आपको बताएं कि एक्टर का शरीर आम आदमी का शरीर नहीं होता, वो बहुत असाधारण शरीर होता है, बहुत बड़े काम का शरीर होता है। अब आप कहेंगे कि बड़े काम का आम आदमी का शरीर नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही होगा। जी, आप जैसे हैं वैसे ही होगा, लेकिन आपका शरीर, अगर आप एक्टर हैं तो आपका शरीर समय समय पर अलग अलग स्क्रिप्ट के साथ, अलग अलग कहानी के साथ, अलग अलग चरित्र के साथ, कितने सारे चरित्रों का बोझ अपने शरीर पर ढोता है ना। आपके चेहरे के माध्यम से या आपके शरीर के माध्यम से, आपके शरीर के एक एक अंग के माध्यम से कितने सारे चरित्र प्रयुक्त, मतलब कभी कभी आते हैं ना, कभी कभी वो राजा होता है, कभी गरीब भिखारी होता है,
कभी वो शराबी होता है तो कभी एकदम से कोई दबंग टाइप व्यक्ति होता है, मतलब कितने सारे चरित्रों का बोझ ढोना पड़ता है। और मान लीजिए कि पूरे जीवन में आपने करीब करीब 100 नाटक या 100 फिल्में की या इतने सारे चरित्र निभाए हैं, तो इतने सारे चरित्र आपके पास आते हैं, इतने सारे चरित्रों का बोझ एक साधारण शरीर ढो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब आपके शरीर को साधना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप बॉडी बिल्डर हो जाइए, बोझ उठाना है, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, ऐसा नहीं है। कैरेक्टर बोझ नहीं है, लेकिन शरीर चरित्र के हिसाब से बनता है। क्योंकि जब भी आप मंच पर आते हैं या स्क्रीन पे आते हैं एक्टर, तो फर्स्ट लुक में वो शरीर ही बताता है कि ये चरित्र किस तरह का है। गरीब है, डरा हुआ है, या हिम्मतवर है, या फौजी है, या वकील है, या प्रशासनिक पदाधिकारी है, या कॉमिक चरित्र है, या किस तरह का चरित्र है, वो शरीर के पहले लुक से ही पता चलता है। आपका शरीर आपका होते हुए भी आपका नहीं होता, और वो चरित्र का भ्रम पैदा करना शुरू करता है। और भ्रम तब पैदा करेगा जब शरीर आपके कंट्रोल में हो, मतलब माथे से लेके एड़ी तक जितनी भी ज्वाइंट्स हैं आपके शरीर में, उन सारे जॉइंट्स को साधना पड़ेगा, उन सारे जॉइंट्स को खुला रखना पड़ेगा, ताकि आपका शरीर बिल्कुल फ्लेक्चुअल हो, मतलब लचीलापन हो, शरीर के हर हिस्से में लचीलापन हो। जब आप कंधे को उठाना चाहे उठा ले, गिराना चाहे गिरा ले, है ना, एक पैर पे खड़ा होना चाहे कर ले, कि ऐसे रखना चाहे रख ले, मतलब जैसे आपका शरीर, आपके शरीर के जिस हिस्से को जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहे चरित्र को अच्छा बनाने के लिए या चरित्र को ऑथेंटिक बनाने के लिए आप कर सके। इसके लिए हर दिन दिनचर्या में, जैसे ब्रश करना है, नाश्ता करना है, नहाना है, खाना है, पीना है, दबा दिन, मतलब हर दिन का करने वाला काम है, ठीक उसी तरह से आपको हर दिन के रूटीन में ये शामिल करना पड़ेगा कि सुबह उठते ही आप फ्लेक्चुअलिटी के, मतलब लचीलेपन के व्यायाम अपनी ज़िंदगी में शामिल करें हर दिन। और सीखने का कोई अंत नहीं है। आप ये समझेंगे 6 महीने करके हम एक्टर हो जाए, साल भर करके एक्टर हो जाए, जी नहीं। आप जब तक एक्टिंग के फील्ड में रहना चाहते हैं, उत्कृष्ट काम करना चाहते हैं, तब तक दिनचर्या में शामिल कर लीजिए इसको कि सुबह फ्रेश होते ही आप शारीरिक व्यायाम को समय देंगे। वो समय 10-15 मिनट या 20 मिनट आपके अपने समय के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, उसको कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हर दिन शामिल कीजिए। शरीर को लचीला बनाइए, फ्लेक्चुअल बनाइए, स्वस्थ बनाइए, क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है, और जिसका स्वस्थ दिमाग होगा, मन होगा, वही अच्छा अभिनेता है, हो सकता है। क्योंकि तब जब तक शरीर और मन स्वस्थ नहीं होगा, वो अभिव्यक्त ना चेहरे से, ना बातों से, ना शरीर से कर सकता है। तो अभिनेता का जो साधन है शरीर, वो आप साधक भी खुद और साधन भी आप खुद। आप सोचना शुरू कीजिए और आपका जो साधन है उसको साधना शुरू कर दीजिए, दिनचर्या में शामिल कीजिए। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, सशक्त अभिनेता। धन्यवाद।